हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट डे। और मैं आज एक जगह आया हूँ जो कि अराउंड जैसलमेर से 50 किलोमीटर है। इसका नाम है खुरही, आई डोंट नो कि ये सही प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं, बट खुरही और खुरही समथिंग लाइक डैट। मैं रात को यहीं स्टे करूँगा इस हट में और मे बी इन द डेजर्ट। और आज का प्लान यही है कि थोड़ा बहुत सैंड ड्यून्स का फोटोग्राफी करना है और रात को शायद कैंपिंग भी वही कर सकते हैं हम डेजर्ट में। फिर मिलते हैं वहीं पे। और क्या अभी मैं सैंड ड्यून्स के बीच में हूँ और देख रहा हूँ शॉट्स देख रहा हूँ, इधर उधर खोज रहा हूँ कहीं कॉम्पोजिशन मिले। और एक्चुअली मैं हम कैमल राइड करके कहीं भी अपने कैंपिंग लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे आज रात को हम कैंपिंग करेंगे। बट कैमल वाले ने बोला कि कैमल को रेस्ट चाहिए 10 मिनट का, तो मैंने सोचा कि इंट्रो शायद हो ही चुका था, एक दो शॉट्स अगर मिले तो ले लेता हूँ, तो वही शॉट्स देख रहा हूँ। एक कॉम्पोजिशन दिखा मुझे, ब्लैक एंड वाइट में ले रहा हूँ स्क्वायर, एक गोप्रो तो दिखेगा नहीं कैमरा, तो इससे अच्छा मैं आपको शॉट ही दिखा दूंगा। बट ये प्रॉब्लम क्या है ना कि इस साइड से बहुत तेज़ विंड आ रहा है, तो मेरे ये ट्राइपॉड भी थोड़ा बहुत हिल रहा है, तो मेरे को उसको शील्ड करना पड़ रहा है अपने आप में बॉडी को यूज करके। और एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तेज़ हवा चल रही है तो सैंड भी उड़ रहा है, तो उस तो मैं अभी लेंसेज चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो सेंसर पे जाके लगेगा जो सैंड है, और मेरे को बैग भी क्लोज करके रखना पड़ रहा है। तो अभी तो एक शॉट हो गया, अभी और दूसरा शॉट देखते हैं। एक शॉट मुझे वहाँ पे दूर पे दिख रहा है, बट उसके लिए मेरे को लेंस चेंज करना पड़ेगा जो कि मैं अभी करना नहीं चाहता क्योंकि वो सेफ नहीं है। और शॉट दिखा और मोस्ट प्रोबेबली ये भी स्क्वायर पे ही होगा। यहाँ पे एक लोन ट्री है, अकेला ट्री है। तो अपने स्ट्री का भी हो गया, और देखता हूँ कुछ और मिलता है। कुछ शूट करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ शूट कर सकते हो, उसमें से डिसाइड करना है कि किसको शूट करना है, कोई वर्थ शूटिंग है कि नहीं, कौन नहीं है, वही है। प्लस में गियर भी मैनेज करना है। तो मैंने अभी अपना 70-200 लेंस निकाल लिया है। और टेलीफोटो लेंस यूज करने का फ़ायदा ये कि जो लेयर्स है ना उसको ना ये कॉम्प्रेस कर देगा और बाकी चीज़ें आइसोलेट कर देगा, तो जैसे थोड़ी बहुत जो बुशेज हैं उसको थोड़ा आइसोलेट कर देगा। तो अभी फिर से एक मेनली क्या है कि यहाँ पे ना जो थार डेजर्ट है वो स्कैटर्ड है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ, तो इसमें एक वाइड फ़ोटो लेना ना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, ज़्यादातर फोटोज स्क्वायर में ही ले रहा हूँ, और स्क्वायर में एक ब्लैक एंड वाइट फिर से लिया मैंने। ऐसा है कि यहाँ पे शॉट्स ले लिए मैंने, अब अपना ब्रेक खत्म हुआ और कैमरे वाले भैया मुझे बुला रहे हैं, तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो फिर आगे चल के देखते हैं कुछ वर्थ शूटिंग है कि नहीं।
अभी मैं उस ट्री का फ़ोटो ले रहा हूँ जिसका मैंने पीछे से पहले एक फ़ोटो लिया था, और अभी यहाँ से इस ट्री का फ़ोटो ले रहा हूँ, उस वाले ट्री का फ़ोटो ले रहा हूँ। बहुत सही दिख रहा है, वन बाई 40 तो पर सेकेंड F11 ISO 100। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं ट्राई करूँगा दो पार्ट में लाने का, क्योंकि आज रात को यहाँ पे लाइक यहाँ पे कैंपिंग भी करनी है और खाना वाना भी तैयार होगा, तो मे बी ये दो पार्ट में हो जाएगा वीडियो। और अभी और शॉट्स देख रहा हूँ, इधर उधर कहीं पे कुछ और मिले। एक मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा सा पैन लूँ जो कि मिल नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे बुशेज हैं यहाँ पे और छोटे छोटे लाइक प्लांट्स हैं, तो वो शॉट को ना वर्क नहीं करने दे रहे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे आइसोलेटेड जगह पे कहीं पे शॉट मिले तो मैं उसका लूँगा एक पैन। मुझे लग रहा है कि मुझे वो फाइनली वो शॉट मिल गया जिसके वजह से मैं इतना दूर चल के आया और एक पैनो मिला है। क्या है कि मैं पैटर्न शूट कर रहा हूँ, क्योंकि डेजर्ट में और पैटर्न्स नहीं शूट किया तो क्या किया फिर, तो अभी उसी का एक शॉट ले रहा हूँ। जो पैटर्न्स दिख रहे हैं रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये अगर अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू लाइक फोटोग्राफी लाइक सब्सक्राइब। और मेरे को लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट के अंदर ही रहे। तो अब जो भी है अभी के बाद से जो भी होगा, इवनिंग में रात में हम यही डेजर्ट में सोने वाले हैं, तो अभी से जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, नेक्स्ट वीक के वीडियो में रहेगा। तो thanks again for watching. Bye bye for now. Okay. ये बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल और दाल बनाएंगे, चपाती बनाएंगे, राइस बनाएंगे। सारा सामान लेके आए? हाँ, सामान पूरा लेके आए, खाना यहाँ बनाएंगे। अच्छा।